साथ टीवी स्टार कपल जिनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन तो सक्सेसफुल रही लेकिन ऑफ स्क्रीन में सिर्फ एक उलझन बनकर रह गई। कहते हैं प्यार इंसान को जीवन की राह देता है, लेकिन कई बार प्यार भरे रिश्तों में कड़वाहट इतनी घुल जाती है कि फिर कुछ मायने नहीं रखता। टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्हें असल जिंदगी में एक साथ देखकर फैन तो खुश हुए, फिर वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी हो या फिर जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की। पर्दे में जिस जोड़ी को देखकर लोग प्यार लुटाते थे, असल जिंदगी में भी साथ देखकर हर किसी की बाछे खिल गई थी। लेकिन समय बदला, सेलिब्रिटी कपल्स के निजी रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। हर किसी ने कामना की कि राहें जुदा ना हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले दो पल साथ बिताने से भी बचने लगे। आखिरकार रिश्ता टूट ही गया। आज बात टीवी की दुनिया की कुछ ऐसे ही कपल्स की करेंगे जिनके रिश्ते तो टूटे, इसी के साथ उनके फैंस का भी दिल टूट गया। अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी। साल 2009 में दोनों ने पवित्र रिश्ता सीरियल से शुरुआत की। मानव और अर्चना को देखकर टीवी देखने वाला हर दर्शक खुश था। फिर असल जिंदगी में भी दोनों के साथ आने की चर्चा हुई तो फैंस की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा। सुशांत ने जब लाइव शो में अंकिता को प्रपोज किया, दोनों कई साल तक लिव इन में रहे, लेकिन फिर भी आपसी रिश्तों में मन मुटाव बढ़ने लगे, झगड़े होने लगे, आखिरकार रिश्ता टूट गया। उलझन यही रही कि सुशांत और अंकिता ब्रेकअप के बाद भी ये बताते और जताते रहे कि दोनों में से कोई अलग नहीं होना चाहता, लेकिन साथ भी रहना मुश्किल है। रश्मि देसाई अरहान खान। रश्मि देसाई ने टीवी की दुनिया पर अपने दौर में राज किया है। उनकी क्यूटनेस पर आज भी लाखों लोग दिल हार बैठते हैं। खबर आई है कि रश्मि देसाई की जिंदगी में कोई है, नाम आया अरहान खान का। रश्मि और अरहान की जोड़ी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। हर किसी की जुबान पर इसके इश्क की चर्चे भी थे, लेकिन बिग बॉस 13 में ऐसे खुलासे हुए हैं कि रश्मि के साथ ही फैंस का दिल भी छलनी हो गया। बताया गया कि अरहान पहले से ही शादीशुदा है, यही नहीं अरहान का एक बच्चा भी है। रश्मि रिश्ते की उलझन में ऐसी उलझी कि आंखों से आंसू की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। शालीन भनोट और दलजीत कौर। शालीन और दलजीत का रिश्ता भी बुरे नोट पर खत्म हुआ था। दोनों 5 साल साथ रहे और दलजीत ने एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म दिया। दोनों स्प्रिट्स विला पहुंचे, दलजीत ने शालीन पर केस ठोक दिया और बताया गया कि शालीन का बर्ताव बहुत ही आक्रामक है। विशाल आदित्य सिंह मधुरमा तुली। बिग बॉस 13 में एक कपल ऐसा था जो अपने प्यार की बजाय नफरत के कारण सुर्खियों में रहा। विशाल आदित्य सिंह और मधुरमा तुली के बीच कहासुनी का स्तर यही था, जैसे कि घर में युद्ध चल रहा हो और मधुरमा ने इस दौरान विशाल को फ्राइंग पैन से भी मारा था, आपको अगर याद हो तो। बाद में ये कपल नच बलिए के सेट पर भी लड़ते हुए पाए गए। समझ नहीं आया कि दोनों में ऐसा क्या हुआ। एक वक्त पर जब दोनों लिव इन रिलेशन को एंजॉय कर रहे थे, यही सोचकर दर्शकों के दिमाग भी हिल गए कि एक वक्त पर जहां दोनों में प्यार था, आज दोनों में ही उतना ही टकरार है। जेनिफर विंगेट करण सिंह ग्रोवर। किसी दौर में जेनिफर और करण टीवी के सबसे क्यूट कपल माने जाते थे। दोनों असल जिंदगी में प्रेमी बने तो फैंस ने खूब प्यार बरसाया। शादी हुई तो ऐसा लगा जैसे सपनों की दुनिया में ही ऐसा होता है, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगी, राहें जुदा हो गई। ना तो जेनिफर और ना ही करण सिंह ने कभी खुलकर बताया कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था, क्या रिश्ता टूट गया। हर बार पूछने पर यही कहा गया कि निजी मामला है, इसे निजी ही रहने दीजिए। श्वेता तिवारी अभिनव कोहली। श्वेता तिवारी ने पहली दफा राजा चौधरी से शादी की। दोनों की एक बेटी हुई पलक तिवारी। श्वेता ने शादी के 9 साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजा चौधरी का आक्रमण रूप देश दुनिया में भी बिग बॉस में भी देखा। दोनों जुदा हो गए, अभिनव कोहली की एंट्री हुई। श्वेता को अभिनव से प्यार हुआ और अभिनव को श्वेता से। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक श्वेता ने अलग होने का फैसला किया। अभिनव कोहली पर आरोप लगे। पलटवार करते हुए अभिनव ने भी इन दोनों को सोशल मीडिया पर श्वेता और पलक को लेकर जमकर पोस्ट करते हुए नजर आए। श्वेता तिवारी का यह रिश्ता भी टूट चुका है और आज के समय में श्वेता तिवारी अकेले रहती हैं। वेल, ये वो स्टार्स हैं जो टीवी की दुनिया में बहुत ही नाम कमा चुके हैं और इनकी जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया, लेकिन आज अलग हो चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें।